हमारे इस करियर एंड लाइफ प्लानिंग के सीरीज में दिस इज द सिक्स्थ वीडियो और मैं आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आकर कहते हैं कि करियर प्लानिंग तो ठीक है बट ये पढ़ाई ही नहीं करता या पढ़ाई ही नहीं करती है और दिन भर इसको बोलना पड़ता है फिर भी ये पढ़ाई नहीं करती है, इतने सारे क्लासेस हमने लगा के दिए हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हाउ डू वी हेल्प द चाइल्ड। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने जो आखिरी सेंटेंस बोला ना, हाउ डू वी हेल्प द चाइल्ड, ये अनफॉर्चुनेटली कोई पेरेंट बोलता नहीं है, बस कंप्लेन करते हैं। हाउ डू आई हेल्प द चाइल्ड, ये अगर सेंटेंस आपके मन में आता है ना, तो मेरे ख्याल से 90% सोल्यूशन तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे कि इस बच्चे को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जनरली ये होता है कि हम केवल फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमको लगता है हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आएंगे, हे भगवान इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हे भगवान ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसका तो आगे बड़ा मुश्किल है, मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों है, ये सारे फ्रस्ट्रेशंस के साथ में हम बच्चे को अप्रोच करते हैं। दूसरा ये मैंने देखा हुआ है कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे 24 घंटे पढ़े, अगर बच्चे 9, 10, 11, 12 के बच्चे 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स के जीना मुश्किल हो जाता है और वो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। ट्रस्ट मी पेरेंट्स, पढ़ाई ऐसे काम नहीं करती है, हमारे साथ भी नहीं काम करती थी, हम पेरेंट्स बन गए तो हम भूल क्यों गए कि ऐसे काम नहीं करता है ये पढ़ाई इनहेरेंटली बोरिंग चीज़ है, क्या हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर हम ये एक्सेप्ट करें अपने बच्चे के साथ बैठ के कि बेटा मुझे पता है पढ़ाई बहुत ही बोरिंग चीज़ है लेकिन क्या है करना पड़ेगा, आप देखिए बच्चे का एटीट्यूड धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाएगा। एक ही सेंटेंस केवल, लेकिन मानिए तो सही, हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे में कैपेबिलिटी, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है 100 में से 100 लाने की, लेकिन वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा है और हम अप्रोच भी ऐसे ही करते हैं। सो पूरा दिन के घर में 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं और ये बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, उनके घर का एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। और मुझे जितने बच्चे मिलते हैं जब मैं उनसे बात करती हूँ कि अच्छा बेटा आगे क्या करना है, तो कहते हैं कि मुझे बस घर में नहीं रहना, दूसरे सिटी में पढ़ने जाना है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, पेरेंट्स से बच्चे दूर जाना चाहते हैं। एंड पेरेंट्स, मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, इफ यू आर ऑल्सो वॉचिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इमोशनल डेवलपमेंट इज बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, केवल एकेडमिक डेवलपमेंट जरूरी नहीं होता है, इंसानों के लिए इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो एज है 9th स्टैंडर्ड से आप समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन तक, इज अ वेरी डेलिकेट एज फॉर स्टूडेंट्स। तो केवल पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में जब आप उसके इमोशनल नीड्स को नहीं देखते हो तो आप उस बच्चे को बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में घर के बाहर भेजना चाहते हो, क्योंकि 12th के बाद 99% तो जाना ही जाना है उसने, तो क्या वो दुनिया फेस करने के लिए रेडी है? आपने चलिए मार्क्स बहुत सारे उसके आ गए क्योंकि आप 24 घंटा उसके सिर पे बैठे, लेकिन क्या उसके उसमें वो दुनिया को फेस करने की एबिलिटीज डेवलप हुई है? ये शायद ही कोई पेरेंट्स आज सोच रहे हैं। और वहां जाकर, हॉस्टल में जाकर जो बच्चे सफर करते हैं, जो 10th के बाद ही आजकल कोटा वगैरह जैसी जगह पे हाईली कॉम्पिटिटिव प्रेशर वाली जगह पे बच्चों को भेज दिया जा रहा है, वहां बच्चे जाके किसी कोई सुसाइड कर रहा है, किसी के साथ में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये चीजें क्यों हो रही है, ये हमको पेरेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल जितने पढ़ाई के लिए ज़रूरी है इतने ही पेरेंट और स्टूडेंट के कनेक्ट के बारे कनेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको अपना रवैया बदलना है, अपना रवैया से भी पहले आपको अपना अप्रोच चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके मार्क्स आने चाहिए यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो शायद आप उस बच्चे की हेल्प नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इस बच्चे को अच्छी लाइफ जीने के लिए, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो शायद आप थोड़ा सा अलग अप्रोच इसमें ले सकते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको प्लीज़ बड़े बड़े क्लासेस में भेजकर अपना पैसा और उनका टाइम वेस्ट मत करिए। मैं देख रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती है कि ये बच्चा हार्डली 60% लाया था इसने 10th स्टैंडर्ड में, मगर इसको कोई ना कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस के क्लास में डाल दिया गया है। वो दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का क्लास कैसे कोप अप कर रहा है इससे पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स बस ये सोच के बैठे मैंने क्लास में भेज दिया अब तो ये इंजीनियर बन के ही निकलेगा, और जब वो बच्चा नहीं पढ़ते हुए दिखता है या क्लासेस से मैसेजेस आते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो केवल उसके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है।
पेरेंट्स प्लीज समझने की कोशिश करिए, प्लीज केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाके करियर नहीं बनता, कई तरीके हैं करियर बनाने के, लेकिन बच्चे की अगर मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो वो क्या करियर बना लेगा। सो यही 4 साल आपके पास सब चीज करने के लिए है। अब आप कहेंगे कि अगर ये पढ़ता नहीं है तो कैसा करेंगे, तो एनालिसिस करिए ना कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, जो कोर्स आपने दिलवाया है क्या उससे कोप अप कर पा रहा है, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल तो ये है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या इसको डिस्ट्रैक्शंस है, क्या इसके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति है जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल फ्रेंडशिप रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम हो गए हैं कि बच्चे उसको कोप अप ही नहीं कर पा रहे, क्या उसको कोई कहीं बुलिंग हो रही है, क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्या वो कंफ्यूज्ड है, क्या वो चीज करना ही नहीं चाहता जो आप दे रहे हैं, क्या है पहले पता तो करिए उसके साथ में बैठ के। और अगर आपसे बच्चा खुल नहीं रहा है तो काउंसिलर के पास ले जाइए, समझिए कि क्या प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा, और उसका अगर डायग्नोसिस हो गया तो आप सोल्यूशन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको अपने कुछ विचार बदलने पड़े, हो सकता है आपके ध्यान में आए कि ये इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या इतने प्रेशर के लिए बच्चा नहीं बना हुआ है, तो क्या मैं इस बच्चे को किस तरह से गाइड कर सकती हूँ। अभी आप लोगों को पता होगा कि 12th के बाद में एक CUET नाम की एग्जाम है जो कंपलसरी हो गई है हर स्टूडेंट को जिसने नॉन प्रोफेशनल कॉलेज में किसी भी कोर्स में जाना है। अब चाहे उसने BA करना हो चाहे BCOM भी करना हो, उसने CUET की एंट्रेंस एग्जाम देनी ही देनी है। सो कई बार ये होता है कि एवरेज स्टूडेंट्स को ये बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस में डाल देते हैं जहां पर वो अक्सर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की या मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं, 11th 12th की कोई पढ़ाई नहीं कराते हैं। आखिरी 6 महीने में कहते हैं कि आपको अपने आप से करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ, मैं काउंसलिंग सेंटर में बैठी हूँ पिछले 20 साल से, हर साल मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इनको यही कहा जाता है कि वो 12th का 11th का कर लो थोड़ा सा। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह की एंट्रेंस नहीं निकाल पाते और वो अब CUET भी निकाल नहीं पाएंगे और 12th का भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, अगर आप उनको समझ के उनके हिसाब से उनको गाइड नहीं करते हैं, आप प्लीज समझिए कि आपके बच्चे की करियर बनना है लेकिन उसका लाइफ भी संवरना है। सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करिए, समझिए, 15 दिन क्लास नहीं गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं काउंसलर के पास लेके जाइए, और अगर ये समझ में आ रहा है कि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो प्लीज वो बड़े बड़े क्लासेस की फीस भर के अपना पैसा उनका टाइम खराब मत करिए, अपने बच्चे के लिए होम ट्यूटर लाइए वो ही पैसे में। मुझे इतना बुरा लगता है, 2-2.5 लाख बड़े ट्यूशन में लोग लगा देते हैं बिना सोचे, और जब मैं सजेस्ट करती हूँ कि इसको आप मान के चलिए इंजीनियरिंग की प्रिपेरेशन कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से वो फिजिक्स नहीं कोप अप कर पा रहा है, तो उसको मैं कहती हूँ इसको आप होम ट्यूटर लगाइए। अब होम ट्यूटर नेचुरली एक बच्चे को 1-to-1 पढ़ा रहा है तो ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो पेरेंट अचानक से बात करने नहीं, हम तो इतना पैसा दे ही नहीं सकते, तो आपने वहां पैसा लगा दिया जहां आपका वेस्ट हो रहा है, और वहां आप लगाने की तैयार नहीं है जिस जगह आपके बच्चे का फायदा होने वाला है। सो प्लीज मैं पेरेंट्स को बार बार वॉर्न करती हूँ कि जो 10th स्टैंडर्ड में आपका बच्चा है और उस समय सारे ट्यूटोरियल्स जो प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि 1 सीट बची है 2 सीट बची है, प्लीज उसके चक्कर में आके एडमिशन के पैसे मत भर दीजिए, इट इज ओके। मैंने सारे ट्यूशन क्लासेस में देखा हुआ है, अगस्त सितंबर तक एडमिशन्स चलती रहती है, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, उनको भी स्टूडेंट की जरूरत है। दूसरा, अगर आपके बच्चे के लिए वो सही नहीं है तो आप इतना पैसा उसमें क्यों लगाना चाहते हैं, और उस बच्चे के ऊपर उस चीज का प्रेशर इतना क्यों डालना चाहते हैं, अपने ऊपर इतना प्रेशर क्यों लेना चाहते हैं आप। तीसरा, टाइम लगाइए अपने बच्चे से बात करने में, उसके साथ में काउंसलिंग कराइए, सब कराइए, और आराम से एडमिशन कराइए। आपको एक बात, मैं ऐसा स्टैम्प पेपर पर लिखकर साइन करके देने के लिए तैयार हूं, ऐसा एक भी ट्यूशन क्लासेस नहीं है जहां के सारे बच्चे मेरिट में आते हैं या सारे के सारे बच्चे IIT में जाते हैं और मेडिकल में जाते हैं। ये वही बच्चे जाते हैं जिनमें ओरिजिनली एबिलिटी है, जिनमें ओरिजिनली मोटिवेशन है मेहनत करने की, जिनको ये सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड नेचुरली है, ये वो बच्चे हैं, वो चाहे इस क्लास में जाए, चाहे इस क्लास में जाए, इस क्लास में जाए, चाहे कोई क्लास में ना जाए, उनको एडमिशन मिलती है। ये हमारे पास में कई सालों से, हम कितने बार पेपर में पढ़ते हैं कोई लड़का जो स्लम में रहता है, उसके पास पैसे नहीं थे, बिना ट्यूशन के उसने IIT में एडमिशन ले लिए।
तो कोई क्लास में पर्टिकुलर ट्यूशन में एडमिशन लेने से आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनने वाला है। भविष्य तब बनेगा जब उस बच्चे में उस चीज की एबिलिटी है, मेहनत करने की तैयारी है, इमोशनल फिजिकल स्टेबिलिटी है और वो उतना कोप अप कर पाए तब वो उसमें से बनेगा। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से क्लास में जाए फिर। तो प्लीज जल्दी मत करिए उस चीज की, टाइम लीजिए, काउंसलिंग करवाइए, अपना खुद एनालिसिस करिए, बच्चे के साथ बैठिए, समझिए और आराम से जब आपकी तसल्ली हो जाए तब आप ये चीज करिए। प्लस ट्यूशन क्लासेस में जिस ट्यूटोरियल में आप एडमिशन लेते हो उनसे प्लीज बात करिए कि हम किसी भी हालत में पूरी फीस एक साथ भरने वाले नहीं हैं, हम भर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर 2 महीना जाने के बाद आपके बच्चे को समझ में आता है कि मैं नहीं कोप अप कर रहा हूं तो उसके पास छोड़ने का ऑप्शन होना चाहिए। ये प्रेशर में कि अभी तो इतनी फीस भर दी, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं 1.5 लाख रुपए भर दिए अब तो यही करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए भर दिए इसलिए करना पड़ेगा, ये तो सही बात नहीं है ना वो स्टूडेंट के लिए। तो अगर मेहनत ही करने में कम कर रहा है बच्चा तो उसको भी काउंसिलर से उसको सॉल्व किया जा सकता है कि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं वो स्टूडेंट को दिखाते हैं हम कि बेटा तुम में इतनी पॉसिबिलिटीज है, हाँ पढ़ाई करने का तरीका गलत हो रहा है, तुमको मजा नहीं आ रहा है, तो लेट अस फाइंड आउट एन इंटरेस्टिंग वे हाउ वी कैन डू दैट, गिव हिम सपोर्ट और ये सब चीजें देकर उसको हम ऊपर उठा के ला सकते हैं। बट केवल उसके पीछे लगने से कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इससे स्टूडेंट और बच्चे के बीच में उस समय गैप पैदा हो जाता है जिस समय सबसे ज्यादा इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है। क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत प्रेशर वाले होते हैं, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई निकलेगा कोई नहीं निकाल पाएगा, बच्चा कोप अप कैसे करेगा अगर पेरेंट्स ने उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल के रखा है। तो इस पीरियड में पेरेंट्स को और बच्चों को साथ में मिलकर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही पीरियड है जो बच्चे का लाइफ बनाता है क्योंकि ये बेस बना रहा है। जब तक फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग होगा आपकी बिल्डिंग क्या बन जाएगी। तो ये पीरियड का इंपॉर्टेंस समझिए। 9th to 12th इसमें पेरेंट्स को जहां तक हो सके आप होम ट्यूटर्स लगाइए। होम ट्यूटर्स का काम होता है कि पढ़ाई करवा लेना, और करवा लेने से यह है कि आपको जो रोज रोज पीछे लगना पड़ता है वो लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास थोड़ा ऐसा टाइम मिलेगा जिससे आप बच्चे के साथ में अच्छे रिलेशंस बना पाए, बच्चा भी फ्री टाइम में आपसे बैठकर बात कर पाएगा। अदरवाइज बच्चे कहते हैं कि माँ बाप जब भी हमको देखते हैं तो पहले शुरू हो जाते पढ़ाई की, तुम तो कर ही नहीं रहे हो पढ़ाई। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं टू गेट पर्सनल होम ट्यूटर्स फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे बहुत अच्छा भी पढ़ रहे हैं लेकिन एकाध सब्जेक्ट में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज ये मत समझिए कि ट्यूशन क्लासेस कवर कर देगा। जैसे मैंने कहा है, हर टीचर अच्छी नहीं होती, हर ट्यूशन क्लास में हर टीचर अच्छा नहीं होता, हर बच्चे को हर टीचर का पढ़ाया हुआ समझेगा जरूरी नहीं है। इफ योर चाइल्ड नीड्स हेल्प उसको समय रहते हेल्प दीजिए। एंड स्टूडेंट्स प्लीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर एंट्रेंस और आपको लग रहा है बार बार कि 2-3 टेस्ट हो गए हैं और मैं पर्टिकुलर चीज में कोप अप नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज हो जाएगा करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। पेरेंट से बात करिए, भले ही 2 महीने के लिए सही, बट पर्सनल ट्यूटर लेके उस चीज के ऊपर काम करिए सो दैट अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उसका फुल फायदा मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये सारे टॉपिक्स इतने वास्ट है, इसमें जितना भी बात करना चाहो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट। तो जहां पर भी आप रुक गए हो थोड़ा भी, प्लीज काउंसिलर की हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए, चाहे जो काउंसिलर हो, मगर आपके बच्चे और आप ये डिजर्व करते हैं कि खुशहाली में अच्छी जिंदगी बनाने के ऊपर हमको काम करना है। सो प्लीज अगेन, आप पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस आपको मिलते रहें, और शेयर जरूर करिए ताकि कोई ना कोई ऐसे है जिनको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है उन तक हम पहुंच पाए।